अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं जबरदस्त सा कुन्ना गोश्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लेंगे हाफ कप ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप घी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप अनियंस चॉप, इसे बिल्कुल लाइट से गोल्डन फ्राई करना है। अच्छा जी, प्याज हमारी ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 to 6 पीस लौंग, 1 बेलीफ, कार्डमम 8 पीस, ब्लैक पेपर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत, दालचीनी सिनेमन 2 स्मॉल पीसेस। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। 1 to 2 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन। मटन के हमने पीसेस, बड़े पीसेस रखे हैं। ये हमने लेग पीस लिया था जिसके हमने पीसेस करवाए हैं, चलिए वो ऐड करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 kg चिकन मटन है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 2 to 3 मिनट्स अच्छे से हम भूनेंगे। अच्छा जी, मटन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप योगर्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 to 3 मिनट्स तक इसे भूनेंगे। अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप ऑफ वाटर। अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे ऑलमोस्ट 1 आवर, जब तक हमारे गोश्त पक नहीं जाता। अच्छा जी, 1 घंटा हो चुका है, मटन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा जी, इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि आपका पानी काफ़ी कम हो चुका है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो आप इसमें 2 कप पानी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने लिया है यहाँ पे 1/2 कप फ्लोर मैदा। मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 ग्लास और अच्छा एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे बगैर किसी गुठली और उसके। अच्छा जी, ये हमारा बिल्कुल थिन सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ हम चेक करते रहेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। हमारी अच्छी सी कंसिस्टेंसी रेडी हो चुकी है, इसमें हम और ऐड नहीं करेंगे वरना ये थिक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिली 3। यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून काला जीरी, जिसे हम बिल्कुल अपने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। कुछ क्रश हो जाएंगी और कुछ ऐसी सिंपल चली जाएंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम ऐड करेंगे इसमें अपना गरम मसाला 1/2 टीस्पून। बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे हम इसे पकने को रख देंगे 2 to 3 मिनट्स ओनली।